बजकर 7 मिनट हो गया है। गर्म गर्म में प्रवेश चल आगे तो अभी पूरी गली में रंगोली बना दी है, तो अभी रंगोली बहुत बच गई है, तो इस वजह से हम लोग अभी अपने अंदर भी बना रहे हैं घर के अंदर। ये देखो अभी ना ब्यूटीफुल ऑरेंज बचा हुआ है, ऑरेंज कलर से बना रहे हैं। नमस्कार पहला और छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कैसे आप लोग, उम्मीद करूँ कि सब लोग ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं बता दूँ, मैं हूँ पूनम नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटा बाग से। और अब हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं महाराष्ट्र में, तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे से, और आज है 22 जनवरी 2024। आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत ही खुशी का दिन है। तो आज हमारे रामलला जी अपने मुख्य स्थान अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, और रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है वो हर जगह पे बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है। तो हमारे एरिया में भी आज प्रोग्राम है, 2-3 दिनों से तैयारी चल रही है। तो आज सुबह से तो इतने जोर शोर के साथ तैयारी चल रही है, अभी हम लोग भी गए थे रंगोली बनाने के लिए शिवू, तो अभी रंगोली बना के हम लोग आ गए और तैयार हो चुके हैं। ये रहा हमारा शुभी बच्चा, शुभी ने भी आज ऑरेंज कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर की पैजामा पहनी हुई है, और मैंने आज ये पिछौड़ा ओढ़ रखा है। ये देख सकते हैं, ये हमारी कुमाऊनी में बहुत शुभ माना जाता है, जो भी शुभ काम होता है तो उसमें जरूर पहनते हैं। तो आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है, तो इसलिए मैं ये पिछौड़ा लेके आई थी और आज ये मैंने ओढ़ रखा है। तो सच में हम सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, तो आप सभी लोग को भी बहुत बहुत बधाई हो। और अभी हम सब लोग जाने वाले हैं आंटी और वो श्रावणी अवनी की मम्मी और श्रावणी अवनी सब लोग, अभी हम लोग साथ में जाने वाले हैं, तो लोग रेडी हो रहे हैं। तो अभी सभी लोग ना जाने लग गए हैं, और अभी आ गई है अवनी। हेलो अवनी। हाय। तो अवनी ने सर में पगड़ी बांध रखी है, तो इसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे? फेटा। फेटा बोलते हैं ना। तो अभी सभी लोग बांधेंगे, तो अभी हम लोग भी चलते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देखो। और अभी आ रही है आंटी भी, तो अभी आंटी दीदी सभी लोग आ चुके हैं। चलो चलो शुभी। तो अभी ना शोभा यात्रा निकलने वाली है, तो अभी सभी लोग हम लोग तैयार होकर के ना शोभा यात्रा के लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद ना फिर यहीं पर ही आएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी प्यारी रंगोली बना रखी है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने ऑरेंज कलर का फेटा बांध रखा है, वाओ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम भी आए क्या? हाँ बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे कुछ नहीं, उसको लगता है मेरी मम्मा को पता नहीं क्या कर रहे हैं।
मैंने भी बेटा भाग लिया तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और शुभी ये रही। ए शुभु, आप परेशान कर रहे थे? शुभी हाय। वो डर गई थी। Thank you.
संकट कटे सब पीरा हो तेरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव कीना जो सत बार पाठ कोई छूटे बंदे मास के चालीसा होती दिशा की हे राम हे केवल प्रेम प्यारा जान ले वो जही जान निहारा राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम राम जय राम सिया राम जय जय राम तेरे भव पार हो जाए जब से देखा है बापे बिहार जब से देखा है तो अभी खाना पीना स्टार्ट हो गया है। खाने में है पूरी सब्जी चावल दाल पापड़ और रसगुल्ले अचार सलाद ये सब कुछ है तो नाश्ता पानी भी हम लोग का हो चुका है और अब खाना स्टार्ट हो रहा है। चलिए फिर आज की इस ब्लॉग को एंड करती हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और